भगवद्गीता 2.69, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी तस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यन्तो मुने। तो आज का जो श्लोक है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर श्लोक है और हमारे को बड़े सारे लेक्चर्स में और बड़े सारी जगह वो नजर आएगा। तो क्या कहता है, जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो आज का श्लोक अगर हम सिर्फ वर्ड्स पे जाएं, अभी परपट पे ना जाएं, तो भी सत्य है। जो भक्त है वो सुबह 3-3:30 बजे उठता है, और जो नॉर्मल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है वो 3-3:30 बजे सोता है। सिर्फ वर्ड्स पे जाएं, अभी मीनिंग पे जाएंगे तो और जाएगा। तो जो आत्मसही है समय का, जो जागने का वक्त है वो नॉर्मल भौतिकवादी लोगों का सोने का वक्त है, समस्त जीवों के सोने का वक्त हो जाता है, और जो उनके जागने का वक्त होता है ना, वो आत्मसंयमी मुनि के लिए रात्रि है। पर इसका एक्चुअल तात्पर्य क्या है? एक्चुअल तात्पर्य ये नहीं है, मगर फिर भी चलो आजकल के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो ये वर्ड भी ठीक हो रहा है, मगर इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य श्री प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पहले उसको पढ़ेंगे। बुद्धिमान मनुष्य की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी में मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए भौतिक कार्य में निपुण होता है, मतलब बुद्धिमान वो भी है, मगर वो अपनी बुद्धि किसमें लगा रहा है? भौतिक कार्यों में निपुण होते हैं, कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी से सीईओस होते हैं। अब ये नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, इंटेलिजेंट तो है। और दूसरी श्रेणी वो है जो मनुष्य आत्मनिरीक्षक। अब इस आत्मनिरीक्षक का मतलब क्या है, जो मैं आपको आजकल रोज बोल रही हूँ, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, अपने आप को एनालाइज करिए, आत्मनिरीक्षण। आत्म मतलब खुद, निरीक्षण मतलब अपना एनालिसिस करना। दूसरी श्रेणी के मनुष्य होते आत्मनिरीक्षक है, जो आत्म साक्षात्कार के लिए, के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुष या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। जो हम काम कर रहे हैं, सुबह सुबह उठ के चैंटिंग करना शुरू कर देते हैं, हम भगवत गीता पढ़ते हैं, हम बहुत सारे सेवा में लगे रहते हैं, तो बहुत सारे सामने वाले मटेरियलिस्टिक लोगों लगते हैं जिंदगी कैसे जीते हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं अरे आप चाय कॉफी के बगैर जीते कैसे हो, है ना। कभी बोलेंगे प्याज लहसुन के बगैर खाना कैसे बन सकता है आपका, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो आत्मनिरीक्षक मुनि के जो कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकवादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञ के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं, और जो जो भक्ति में जुड़े हैं वो जाग गए हैं, उनको पता है कि मेरा आगे क्या होना है, कैसे होना है, मुझे क्यों चाहिए भक्ति, वो सब जाग गए हैं। मगर जो भौतिकता में लीन है वो सोए हुए हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आत्म आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में स्लो, क्रमिक मतलब स्लो, जो क्रम से होती है, धीरे 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 कई चीजों के अंदर स्लो स्लो होती है, तो क्रमिक उन्नति में, फिर से पढ़ रही हूँ, मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति के दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकवादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्र सुखों का स्वप्न देखता है। तो जो भौतिकवादी जो लोग हैं वो सोए रहते हैं, उनको बोलो कि माला कर लो, बोलेंगे टाइम नहीं है। उनको बोलो चलो हमारे साथ मंदिर चलो, बोलेंगे टाइम नहीं है। अच्छा सेवा में लग जाओ, बोलेंगे टाइम नहीं है। वो किस में टाइम बिता रहे हैं? सेवा निवृत्ति में। और वो ऐसे सोए रहकर
इंद्र सुखों का स्वप्न देखते हैं और उसी सुप्त अवस्था में कभी सुख और कभी दुख का अनुभव रहता है करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख और दुख के प्रति अन्यसक मनसक रहता है, वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित हो रहकर भौतिक घातों से अविचलित रहकर हमारे जो आत्म साक्षात्कार मुनि है, मतलब जो आत्मनिरीक्षण कर रहा है, उसके भौतिक अटैक आएंगे ही आएंगे, उसके सर्कमस्टांसेस नेगेटिव होंगे ही होंगे। ये आपको बात लिख के रखनी है। अगर हमारे पर प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है कि अभी हम भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। भगवान को पता है कि ये केक अभी कच्चा है, इसलिए ओवन से बाहर मत निकालो। मगर जैसे ही हम लोग थोड़ा सा स्ट्रांग होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, बट इन प्रॉब्लम्स से हमें घबराना नहीं है। वो भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। वो अपने जो डिवोशनल सर्विसेज हैं, जो भक्ति में कार्य हैं, उन सब में बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के स्ट्रांगली लगा रहता है। तो आज का जो श्लोक है वो हम सबके लिए एक तरह से गाइडलाइंस है अगेन, और हमारे कंपैरिजन बार बार भगवान अभी पिछले 2-3 श्लोकों से हम बार बार कंपैरिजन कर रहे हैं एक भक्त का और एक भौतिकवादी इंसान का। जो भौतिकवादी मटेरियलिस्टिक इंसान है, जो सारा दिन हाय हाय पैसे के पीछे भागते रहते हैं, वो भौतिक कार्यों के लिए तो उनको कुछ भी करा लीजिए। अगर उनको बोलेंगे कि आपको यहाँ पर जाएंगे, आपको 1,00,000 रुपए मिलेगा, चाहे उस पर कितना भी रिस्क हो, वो जरूर जाएंगे, और कितना भी टाइम ना हो, बीमार भी होंगे तो भी भागेंगे। मगर जब उनको बोला जाए कैसे चलिए आप हमारे से 5 मिनट बैठ के माला कर लीजिए, तो वो बोलेंगे नहीं नहीं टाइम ही नहीं है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। अनिरुद्ध को बोल दो, अनिरुद्ध को बोल दो। सो हमारे पास टाइम नहीं है, ये बोल करके भाग जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि भौतिकवादी इंसान और जो आत्म साक्षात्कार की तरफ चल रहे हैं, आत्मनिरीक्षक जो वर्ड बोला है प्रभुपाद ने, और भगवान ने भी आत्मनिरीक्षक वर्ड बोला है, वो आत्मनिरीक्षक वो हुए जो अपनी इंद्रतृप्ति को छोड़कर जो भगवान के कार्यों के लिए बिल्कुल कांस्टेंट होके लगे रहते हैं। तो हम ये एक श्लोक ऐसा है जिसको हम अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें, एक श्लोक ऐसा है जिसको हम अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। हम ये समझेंगे कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि अपने भौतिकवादियों से अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। हम भौतिकवादी लोगों से अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं, अरे वो लोग तो रात को नाइट पार्टीज मना के आ रहे हैं, अरे वो तो इतना इंजॉय कर रहे हैं, है ना, वो तो रोज पार्टियां मनाते हैं, है ना। कभी कभी हमारे मन में कभी कभी आता है ये बात। तो जब भी ये बात आए तो आपको हमेशा याद होना चाहिए कि हम हमेशा भौतिकवादों से उल्टे हैं। वो शॉर्ट टर्म के पीछे चल रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म के पीछे चल रहे हैं। उनका एंजॉयमेंट कुछ क्षण भर का है, हमारा एंजॉयमेंट जन्मों जन्मों के उसका है। लॉन्ग टर्म नहीं, वेरी लॉन्ग टर्म है उनके शॉर्ट टर्म को देख करके। वो सिर्फ टेम्पररी चीजों के पीछे भाग रहे हैं और उसमें भी सुख और दुख उनके साथ निरंतर लगा हुआ है। जबकि भक्ति के अंदर हम आगे बढ़े तो हमारे को सुख आनंद 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 और बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से भक्ति का आनंद एक बार आने के बाद हम जितने भी मटेरियल कष्ट आ रहे होते हैं, भक्त हमेशा अविचल रह पाता है। क्योंकि उसको वहां से एक जैसे होता ना कि अगर सपोज करिए कहीं से गर्म हवा आ भी रही है और कहीं से और जोर की ठंडी हवा आना शुरू कर दे, बहुत सुंदर एसी चलना शुरू हो जाए, क्या होगा, उस गर्म हवा का इफेक्ट हमें पता ही चलेगा क्योंकि यहाँ पे एसी बहुत ठंडी हवा दे रहा है। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग जब भक्त एफर्ट्स कर रहा होता है तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी, सर्कमस्टांसेस एडवर्स होंगे ही होंगे,
माया हमारा टेस्ट लेगी लेगी, ये तो अवश्यंभावी है, ये तो होना ही है। मगर भक्ति का जो रस मिल रहा होता है, भक्ति का जो आनंद मिल रहा होता है, उसकी वजह से हम और अच्छे से, हमारे को फीलिंग्स कम होती रहती है। अब ये समझना है आपको कि कुछ लोग तो भक्त भी परेशान होते हैं जी, और कुछ भौतिकवादी लोग भी शांत रहते हैं। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले भक्तों की बात करते हैं कि आप ये बोलेंगे कि भक्त भी तो परेशान होते हैं, तो आंसर क्या है? हाँ, भक्त परेशान होते हैं, मगर कब? जब उनकी भक्ति स्ट्रांग नहीं होती। भक्त के पास परेशानी आएगी, हो सकते हो मोमेंटरीली थोड़ा सा परेशान हो, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। और जब बहुत स्ट्रांग भक्ति में हो जाएंगे तो वो मोमेंटरीली परेशान नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरा एम क्या है, उसको पता है कि मुझे सुख कहाँ से आ रहा है। और बिल्कुल वैसा, जब हवा एसी की हवा तेज होगी, टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन्ड है, तो कहीं से थोड़ी सी गर्म हवा आएगी भी तो उसको पता भी नहीं चलेगा उसको कि गर्म हवा आई। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग जब भक्ति में स्ट्रांग हो जाते हैं तो हमारे को कभी भी इन सब चीजों का फर्क नहीं पड़ता। मगर जो भौतिकवादी इंसान है वो तो ओवन में बैठे हैं। अब ओवन में बैठे हैं, उनके पास आनंद का कोई सोर्स नहीं है, वो जितने भी टेम्परेरी सोर्सों का जुगाड़ बनाते हैं उनका जो इफेक्ट होता है वो बहुत क्षणिक होता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, कई बार हमें लगता है कि हम मॉल जाएं, खूब सारी शॉपिंग करके आए, इंजॉय करके आए तो बहुत मजा आएगा। मगर 99% मैंने हमेशा देखा है, जब भी मैं कभी किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में बैठती हूँ, किसी झगड़े को कभी कोई सुलझाने का मेरे को दुर्भाग्य प्राप्त होता है, दुर्भाग्य तो नहीं है, दुर्भाग्य ही है कि झगड़ा सुलझाना पड़ रहा है, तो वहां पर मैंने देखा कि वो इस तरह कंप्लेंट्स ले रहे होते हैं। देखो जी, ये अच्छा, वाइफ और हस्बैंड दोनों मॉल जा रहे हैं, है ना, वहां पर सो कॉल्ड एंजॉय करने जा रहे हैं, तो वो आते समय हमेशा झगड़ा करते हुए आते हैं। और उनसे पूछो तो उनके दोनों के अपने अपने वैलिड पॉइंट्स होते हैं। वाइफ बोले कि देखो जी, मैंने इनको कह दिया कि मेरे साथ एक बार चॉइस करा दो, इन्होंने कहा तो अपने आप कर ले। हस्बैंड बोलता है एक एक दुकान पे एक एक घंटा लगा के बैठ जाती है, झगड़ा कर रहे होते हैं। इसका मतलब वो करने तो इंजॉय कर गए थे, वहां पे कुछ क्षण इंजॉय भी किया, बट आते समय वो क्या हुआ, फेलड़ाई में कन्वर्ट हो गया। जो लोग वाइन पीते हैं और सोचते हैं हम बहुत मजा कर रहे हैं, है ना, पार्टी कर रहे हैं, उसी पार्टी के बाद उनको, उसको क्या बोलते हैं, उसी पार्टी के बाद जो उनको प्रॉब्लम होती है वो हैंगओवर कुछ इस तरह का होता है, वो सारा चीजें होती है, और अल्टीमेटली उनका सारा का सारा दिमाग खराब होता है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि वो जो एंजॉयमेंट अगर सो कॉल्ड उनके लिए है भी, तो वो बहुत 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 टेम्प्रेरी है। दुख आते हैं, उसको फेस नहीं कर पाते हैं, उसके बाद वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मगर जो भक्त है, अगर उसकी भक्ति स्ट्रांग है, तो उसका एसी इतना अच्छा ठंडा हवा दे रहा है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम समस्या आने पर भी वो इंटेलिजेंटली सॉल्व कर लेता है और कभी भी घबराता नहीं है। तो हमारे को भौतिक मटेरियलिस्टिक लोगों को देख करके कभी ये नहीं सोचना कि अरे वाह वो तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हम इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप कभी भी उनकी दुनिया में जाके देखेगा तो सच्ची में आपको बहुत बुरा लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं 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 नहीं, मेरी भक्ति की दुनिया कितनी अच्छी थी, कितने अच्छे लोग थे वहां पर, कितना प्यार करने वाले लोग थे, है ना, और यहाँ पर सिर्फ खींचातानी, पॉलिटिक्स, लेग पुलिंग, ये सब चलता रहेगा। तो भक्ति में, और आप एक और बात देखिए, एक चीज और बताऊंगी, कभी कभी हमें भक्तों में भी अवगुण नजर आते हैं, तो मैं हमेशा अपने आप को ये समझाती हूँ, एक बात समझाती हूँ हमेशा, कि जब कुछ साल पहले हम किसी एक ऐसे इंसान से मिलते थे जो बोलता था जी मैं स्मोक नहीं करता, तो हम बोलते वाह ये तो बड़ा अच्छा इंसान है, स्मोक नहीं करता, है ना, हम तो जी वाइन वगैरह कुछ नहीं लेते हैं। तो जैसे मेरे पापा अगर किसी रिश्ते विश्ते की बात ढूंढ रहे हो तो आप बोलते वेरी गुड वेरी गुड, ये लड़का बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वाइन वगैरह बिल्कुल नहीं लेता जी, नॉनवेज वगैरह बिल्कुल नहीं खाता जी, है ना, क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छे लोग हैं। और उसके बाद पता चले कि वो तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, तो लगता था कि वो तो देवता उतर आया। अब जितने भक्त हैं
भक्तों के अंदर ये चार गुण तो वैसे भी है, ये चार के चार अवगुण वो भी बहुत स्ट्रांग है, वो तो फिर भी आर्टिफिशियल लेवल पे सब कुछ करते हैं। भक्तों के अंदर ये चारों गुण तो स्ट्रांगेस्ट हैं, तो हम जो भक्त अगर सामने आए तो देवताओं से भी ज्यादा पूजनीय है, ये हमें समझना चाहिए। तो हमें सबको समझना है कि जो भौतिकवादी लोग हैं वो सोए हुए हैं, और हम प्रचार करके उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप भी उठो, आप भी हमारे साथ माला जप करो, आप भी भगवद गीता का श्रवण करो, हम सबके साथ हम लोग मिलकर भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करें। अगर हम में से कोई एक गिरने भी लगे है ना, तो दूसरा उसको पकड़ सकता है। जैसे कि कभी कभी चैंटिंग में अगर मैं लेट होने भी लगूं तो क्या होता है, फटाफट फटाफट कोई आकर के चैंटिंग शुरू करने की सेवा ले लेता है। तो उससे क्या होता है कि मैं अपना कोई और काम, मेरा जहाँ पे मैं कर रही होती हूँ कुछ अटका हुआ होता है, तो पहले वो काम करके फिर आराम से आपके साथ बैठ जाती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही हम भक्तों का संघ है, जहां पर हम सारे एक दूसरे को हाथ पकड़ के चल रहे हैं, जहां पर हमारे अगर जरा सी कोई प्रॉब्लम आती है, हम भक्ति में डाउन होते हैं तो क्या होता है, फटाफट किसी का फोन आता है, आजकल बड़े दिन हो गए आप आ नहीं रहे, तो इस तरह से हम क्या होते हैं, एक दूसरे को संभाल लेते हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और भौतिकवादी, वहीं पर भौतिकवादी लोग क्या होते हैं, एक दूसरे से जेलिसी कर रहे होते हैं, एक दूसरे से पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं, ऊपर नीचे खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं, मतलब नीचे खींचने की कोशिश कर रहे, ऊपर तो क्या खींचेंगे वो लोग, नीचे खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हमारे को समझना चाहिए कि जो हमारा ये जो संसार है, भक्तों का संसार है, ये एक बहुत ही प्यारा निर्मल संसार है, जहाँ पर कुछ समस्याएं आएंगी, उनसे घबराना नहीं है, हमारे को भक्ति में बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ते जाना है, और उन सारे सोए हुए जीवों को प्रचार करके उठाना है कि उठो भैया उठो। और उठाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, श्रवण। जो सोया हुआ इंसान हो उसको उठाने के लिए क्या करोगे, कान से आवाज लगाओगे, अरे खन्ना जी उठो, है ना, ऐसे बोलेंगे ना। तो बिल्कुल ऐसे ही हम लोगों ने क्या करना है, उनको भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का प्रचार करना है, और उनके कान से जब भगवान उनके हृदय में जाएंगे तो उसके बाद वो भी जग जाएंगे, और वो भी भगवान के आत्मनिरीक्षण के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। तो हम सभी इस टाइम पे आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं अपना, सभी ने अपना अपना आत्मनिरीक्षण, आत्म मतलब अपना और निरीक्षण मतलब इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस, हम सब आजकल अपने आप को मार्क्स दे रहे हैं। तो जो जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताए हैं उन सबके ऊपर आत्मनिरीक्षण जरूर करिए, और 15 दिन के बाद 31 अगस्त को फिर हम बैठेंगे, और उसके बाद हम उसके पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन भी करेंगे। कोई प्रश्न?